तो कितना अपना अभिमान रखते हैं कि हाँ हम ये बड़े फर्ज अदा करते हैं। भाई ग्रस्त के भी तो फर्ज अदा करने हैं ना, अभी ग्रस्त के फर्ज न करेंगे? कौन कहता है कि फर्ज न करो, परंतु फर्ज पालने की ताकत कहाँ है? अभी अभी बाप बैठा है, बच्चे को कुछ होगा, बाप क्या कर सकता है? कुछ करेगा? कुछ नहीं कर सकते हो। भले यार चलो धन होगा पैसा होगा करके कुछ उसका इलाज करेंगे या कुछ करेंगे बस ना, परंतु कोई कर्म का ऐसा करा हिसाब है उसके होते भी कुछ नहीं बन पाता है, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे नहीं किस्मत। तो फर्ज हुआ ये जो किस्मत पर आकर बात लगानी पड़े, अच्छा हमारे कर्म या इनकी किस्मत ऐसा कहना पड़े तो उसको क्या कहेंगे? ये थोड़ी फर्ज हुआ, वो तो किस्मत के वश हुआ ना, जो कर्म किया उसके वश है। तो फिर तो कहेंगे नहीं जो कर्म किया है उसका पाना है, तो फिर क्यों कहते हो ये हमने फर्ज किया? फर्ज वो है जो अपने बच्चे को अपने जो भी ड्यूटी है उसमें पूर्ण चला सको, परंतु चलाने की ताकत कहाँ है अभी? तो वो ताकत नहीं है ना, तो बिना ताकत के लिए अभिमान रखना कि हम फर्ज अदा कर रहे हैं, तो फर्ज अदा होता ही कहाँ? स्त्री के बैठे पति चला जाता है फिर ये कहाँ है फर्ज? नहीं तो लॉ नहीं है, वो हमारी जीवन का लॉ था, कभी स्त्री के बैठे पति नहीं जाता, यानी स्त्री विडो नहीं हो सकती, कभी विडो का शब्द था ही नहीं। लेकिन आज कहाँ है वो ताकत? कहाँ है ये सभी मरना जन्मना कोई अपने वश में है ही नहीं, इसका कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारी बेवसी जीवन हमारी, लेकिन जीवन में हम बेवस हैं, जीवन को हम अपने तरह से और अपने पूरे सुख का साधन के रूप में नहीं चला सकते हैं। नहीं तो ये जीवन हमारा सुख का साधन है ना, जीवन काय के लिए, जीवन मुक्ति के लिए है ना, जिसमें कोई दुख का नाम निशान हो, लेकिन अभी है कहाँ? तो यही बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि जो तुम्हारी लाइफ है, लाइफ पाकर करके तुम सदा सुखी रहो उसके लिए है, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है ना कि सुखी हो उसमें। इसीलिए कहते हैं कि वो चीज जो मैंने बनाई थी वो ऐसी बनाई थी, उसमें कोई दुख नहीं था, लेकिन अभी तो दुख आ चुका है ना, तो वो तुम्हारी भूल है। इसीलिए कहते हैं उसकी आकर के मैं रोशनी देता हूँ, अभी जगाता हूँ कि जागो सजनिया, अभी आँख खोलो कुछ था, ये तुम कहाँ भूल से अपना ये दुख का सब बना कर करके और उसमें सो गए हो, अभी जागो, अभी नव युग आते हैं, अभी फिर से यहाँ ऐसी दुनिया बनने का टाइम आया हुआ है, तो अभी जा कर करके अभी उसके लिए तैयारी करो और उसके लिए अपना पुरुषार्थ रखो। तो अभी वो बैठ करके समझाते, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसको क्या कहेंगे घर गृहस्थ बिगाड़ना है हा? ये तो और ही हमारे घर गृहस्थ में बल ताकत शक्ति जिसको कहा जाए कर्म श्रेष्ठ की धारणा बैठ करके बाप देता है, इसमें और तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज समझनी है, परंतु कर्म बहुत नहीं समझने के कारण, मिसअंडरस्टैंड करने के कारण कहीं समझते हैं कि नहीं यहाँ शायद ऐसा कुछ सिखाया जाता है, पर तो ऐसी कोई बात ये भी सिखाया ही ये जाते हैं कि अपने घर गृहस्थ को, लेकिन उसमें ताकत आनी चाहिए ना, ये भी कर्म के हिसाब से सब चलता है ना, कोई पति बना कोई पत्नी बना कोई बाप बना कोई बेटा बना, ये सब क्या है कर्म का हिसाब है ना, तो कर्म के हिसाब में ही बल भरो जो तुम्हारे कर्म का खाता अच्छा चले। तो ये तो और ही कर्मों के खाते को सुधारने की चीज है, बाकी इसमें और तो कोई बात ही नहीं है। आप वो तो और संन्यास जो है जो घर बार छोड़ के जाते हैं वो तो सीधा ही सीधा घर बिगाड़ने की बात है, क्योंकि घर बिगड़ जाते हैं चले जाते हैं उसमें तो और ही पति चला जाता है, क्योंकि पुरुषों के लिए है ना, नारियों के लिए नहीं है, खाली पुरुषों के लिए, तो वो तो सीधा या पुरुष चला जाए तो बेचारी नारियों का हाल क्या रहेगा, वो तो सीधा घर बिगाड़ने वाली चीज है, क्योंकि पुरुष ही तो घर का मेन है ना, हाँ कमाए खाए तो घर वाले कहाँ से, अगर नारी चली जाए तो पुरुष के लिए नारियां तो बहुत है, हाँ एक छोड़ेगा दूसरी ले लेगा, लेकिन अपने हिंदू रवाज के अनुसार तो पुरुष चला जाए बेचारी हिंदू नारी के लिए तो ये है ही नहीं कि जा करके दूसरा करे, ये तो और ही संन्यास उसी ढंग से तो और ही बिगाड़ने वाला घर का हो गया ना, कि पुरुष चला जाए तो बेचारी नारी क्या करेगी।